ईटानगर में अरुणाचल टाइम्स की पत्रकार पर हुआ है जानलेवा हमला। ये सनसनीखेज वारदात हुई रविवार शाम करीब 6:15 बजे। दी अरुणाचल टाइम्स की एसोसिएट एडिटर टंगम रीना अपने दफ्तर में दाखिल हो रही थी कि तभी एक अज्ञात हमलावर ने उन्हें पीछे से गोली मार दी। हमलावर इसके बाद फरार होने में कामयाब रहा। टंगम रीना को फौरन ईटानगर के रामकृष्ण अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये बहुत बड़ा इंसिडेंट है और ये जर्नलिस्ट बहुत डरा हुआ है। आई डोंट नो तुमने कोई क्या डरा कैसे पड़े क्या गोली लगा कौन लगा है गोली। अरुणाचल प्रदेश के एक बड़े और नामी अखबार की पत्रकार पर हमले की इस खबर ने हर किसी को सन्न कर दिया। खबर मिलते ही प्रदेश के मुख्यमंत्री नबाम तुकी अपने कैबिनेट के कुछ मंत्रियों के साथ पत्रकार की हालत जानने अस्पताल पहुंच गए। उन्होंने मीडिया से ज्यादा बात तो नहीं की, ये जरूर कहा कि हमलावर जल्द ही गिरफ्त में होंगे। इस बीच अरुणाचल पश्चिम से कांग्रेस सांसद तकम संजॉय ने भी मुख्यमंत्री से फोन पर बात कर इस घटना की कड़ी निंदा की है। हमने मुख्यमंत्री से बात किया, सुपरिंटेंडेंट पुलिस से बात किया और जो सिक्योरिटी सिनेरियो है उसको कॉर्डन ऑफ करने के लिए मैंने मेरा माध्यम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के माध्यम से मैं मुकुट मिट्टी साहब को भी बता दिया हूं कि ऐसा सीरियस सिचुएशन ईटानगर और अरुणाचल में नहीं होना है। और सीएम ने डायरेक्टिव क्लियर डायरेक्टिव दे चुका है कि पूरा सारे कैपिटल का एरिया को कॉर्डन ऑफ किया जाए और जो कल्प्रिट है उसको जल्दी से जल्दी उसको पकड़ा जाए और कानून का मुताबिक उसको जो कार्रवाई करना चाहिए उसी में ही उसको कार्रवाई करके दिखाना जरूरी पड़ा है। बताया जा रहा है कि दी अरुणाचल टाइम्स की पत्रकार टंगम रीना को पिछले कुछ दिनों से लगातार धमकियां मिल रही थीं। गौरतलब है कि इस घटना से करीब 3 महीने पहले अखबार के दफ्तर में कुछ अज्ञात लोगों ने जमकर तोड़फोड़ भी की थी। ईटानगर में पत्रकार पर हमले की घटना पहले भी सामने आ चुकी है, लिहाजा सवाल अब यहां की पुलिस के कामकाज को लेकर भी उठ रहे हैं। सर पहले भी यहां पे मीडिया पर अटैक होते रहते हैं, अरुणाचल टाइम्स भी 2 महीने पहले एक बार तोड़ा गया था, यहाँ पे कोई सिक्योरिटी का इंतजाम था क्या? सिक्योरिटी तो यहाँ अरुणाचल हर मीडिया में नाहरलाइन में है, ईटानगर में 3-4 जगह है, तो मीडिया ऑफिस में मैन पावर कमी का वजह से हम स्टैटिक गार्ड जो है राउंड क्लॉक दे नहीं पाया। हमने सब तुरंत रेस्पॉन्स तो किया है लेकिन तब तक स्ट्रेंथ है फरार हो गया। पुलिस हमलावरों तक जल्द पहुंचने का दावा कर रही है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश के पत्रकार न सिर्फ हमलावरों को सलाखों के पीछे पहुंचाने की बल्कि पत्रकारों को पर्याप्त सुरक्षा देने की मांग भी कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के तमाम बड़े संगठन इस हमले को लेकर कड़ा विरोध जता रहे हैं। प्रदेश के सभी पत्रकारों ने अपनी अगली रणनीति के लिए आज इकट्ठे होने का ऐलान भी किया है।